हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का रविदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी फ़र्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी थी फ्रेंड्स उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, द कंट्रीज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल लाल नेहरू फॉर्म अ फिफ्टीन मेंबर कैबिनेट यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस द जवाहर लाल नेहरू वॉज य फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री ही फॉर्म द कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ फिफ्टीन मेम्बर्स ये आपने याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू अज्यूम्ड ऑफिस एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सो लेट्सटार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू तो फ्रेंड्स इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट पंडित जवााहर लाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो देखिए फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वॉज द फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया यू हैव टू रिमेंबर दिस तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बेसिक बात बता देती हूँ कि जो फ्रेंड्स हमारी फ़र्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री थी उसमें कम पोर्टफोलियोज थे इफ़ यू कंपेयर दैट मिनिस्ट्री विथ टूडेज मिनिस्ट्री फ्रेंड्स जो नेम्स थे मिनिस्ट्रीज के वो भी डिफरेंट थे एट दैट टाइम तो देखिए फ्रेंड्स जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ इट इज़ द मोस्ट

ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो देखिए फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जो बर्थडे होता है फ्रेंड्स उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे एंड दैट इज़ ऑन एलेवंथ ऑफ नवम्बर तो यू हैव टू रिमेंबर दिस दिस पॉइंट विल ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू तो देखिए फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ये हमारे फर्स्ट मिनिस्टर थे ऑफ साइंटिफिक रिसर्च फ्रेंड्स देखिए उस टाइम पे जो मिनिस्ट्री थी उस में से एक मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च तो ये भी आपने याद रखना है उन मिनिस्ट्रीज में से एक का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च आज की जो जनरेशन है फ्रेंड्स यहाँ पर जो मिनिस्ट्रीज के नेम है वो ऑलमोस्ट चेंज हो चुके हैं बट द वेरी फर्स्ट जो हमारी मिनिस्ट्री थी कैबिनेट मिनिस्ट्री थी उसमें यही नेम्स का यूज़ हुआ था तो अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा सो ओनली दीज नेम्स विल बी आस्ट सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज़ द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ़ कॉमन वेल्थ रिलेशन एंड द फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जवाहर लाल नेहरू तो देखिए अभी तक हमने देखा कि जवाहर लाल नेहरू ही वॉज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कामन वेल्थ रिलेशन ये भी आपने याद रखना है एंड इसके अलावा ही वॉज़ द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च तो ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी एग्जाम्स के लिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड दैट जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ही वॉज ऑल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जॉन मथाई तो देखिए डॉक्टर जॉन मथाई ही वॉज द फर्स्ट रेलवे रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया यह आपने याद रखना है फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन द कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी सरदार बलदेव सिंह तो सरदार बलदेव सिंह ही वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो देखिए फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है कि हमारे कंट्री के फर्स्ट जो लेबर मिनिस्टर थे वो कौन थे तो राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम वॉज द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज़ द फर्स्ट कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो देखिए हमारी जो फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री थी इन दैट वी ऑल्सो हैड अ कॉमर्स मिनिस्टर एंड जो हमारे फर्स्ट कॉमर्स मिनिस्टर थे फ्रेंड्स ये थे ऑप्शन नंबर सी सी एच भाभा सो सी एच भाभा वॉज द फर्स्ट कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज़ द फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी राफ़ी अहमद की दवाई फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कि हमारे फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन थे तो राइट right आंसर है राफ़ी अहमद किदवाई नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ इंडिया यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम इन यो एग्जाम तो देखिए फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वॉज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये आपने याद रखना है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हु वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृत कौर तो देखिए राजकुमारी अमृत कौर शी वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये आपने याद रखना है इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ये एक फीमेल है और इनको फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री में प्लेस मिली थी तो दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु इज़ कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ये भी आपने याद रखना है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए आर के शनमुघम शेट्टी सो आर के शनमुघम शेट्टी ही वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज़ मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए श्यामा प्रकाश मुखर्जी तो देखिए श्यामा प्रकाश मुखर्जी एंड समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल हेम एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन सम बुक्स इट वॉज रिटन एज श्यामा प्रसाद एंड इन समटन एज श्यामा प्रकाश मुखर्जी सो ही वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रीज एंड सप्लाइज मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट माइन्स एंड पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी एन वे गडगिल सो एन वे गटगिल ये इंडिया के पहले माइंस एंड पावर मिनिस्टर थे अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एन वे गटगिल नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू तो देखिए फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इसके अलावा ये हमारे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे ही वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड विद दिस ही वाज आल्सो द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉमनवेल्थ रिलेशन्स तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में सो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी थिंग कैन बी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए केसी नियोगी तो देखिए केसी नियोगी ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि ये इंडिया के बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सन थे ऑफ मॉडर्न इन मॉडर्न हिस्ट्री सो वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट हिम सो देखिए ये के नियोगी थे ये फर्स्ट मिनिस्टर थे ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन तो ये भी आपने याद रखना है देखिए फ्रेंड्स अब हम कुछ इम्पोर्टेंट एंड एक्स्ट्रा फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं जैसे फ्रेंड्स हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट एज वेल एज़ फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधा कृष्णन तो एस राधा कृष्णन ये इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया तो देखिये इंडिया के फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल तो जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी जिन्हें हम चक्रवर्ती राज गोपालाचारी भी कहते हैं तो ये आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन सो लेट्स डिस्कस वन पॉइंट अबाउट हेम चक्र चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बिकेम द ओनली इंडियन एंड द लास्ट गवर्नर जर्नल आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो आपने याद रखना है वो थे हीरा लाल जय कानिया ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है तो ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है तभी मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ तो देखिए फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के ही वॉज़ सुकुमार सेन तो ये आपने याद रखना है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसका एक रिविज़न कर लेते हैं उसके बाद हम करेंट में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद Our first Vice President was Dr. Ash Radhakrishnan. First Prime Minister was Pandit Jawaharlal Nehru. Then first Deputy Prime Minister was Sardar Vallabhbhai Patel. And first Home Minister was Vallabhbhai Patel. तो ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स देखिए जो सेकंड हमारे होम मिनिस्टर थे आफ्टर द डेथ ऑफ वल्लभ भाई पटेल इन द ईयर नाइनटीन के अराउंड इनकी डेथ हो गई थी तो उसके बाद सेकंड नंबर पर सी राज गोपालाचारी ये जो पहले हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ये बने हमारे होम मिनिस्टर ये आपने याद रखना है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर वर्स जॉन मथाई फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर वॉर्ज सरदार बलदेव सिंह दैन फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हमसे पूछा जाए सो आर आंसर विल बी आर शन मुघम शेट्टी फ्रेंड्स समटाइम्स इट इज रिटर्न एज इन प्लेस ऑफ सी सो विट इज कॉल एज शेट्टी दैन फर्स्ट फॉरन मिनिस्टर nehru जवाहरलाल नेहरू education minister was मिनिस्टर abul kalam azad कलाम आज़ाद तो ये सब आपने याद रखने हैं just doing a quick revision है so I would just request you to just focus and revise. देखिए first governor general थे हमारे सी गोपालाचारी फर्स्ट चीफ जस्टिस थे हमारे हरिलाल चानिया देन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्स सुकुमार सेन देन फर्स्ट लॉ मिनिस्टर वर्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देन फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राफ़ी अहमद किदवाई दैन फर्स्ट लेबर मिनिस्टर वॉज बाबू जी जगजीवन राम तो देखिए फ्रेंड्स जो जगजीवन राम थे इनका जो निक नेम था इट वॉज़ बाबू जी ये आपने याद रखना है देखिए फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी हमारी राजकुमारी बी बी जी अमृत कौर तो इनका कंप्लीट नेम है एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वॉज सी एच भाभा दैन वर्क वर्क माइंड एंड एनर्जी मिनिस्टर और वी कैन कॉल इट एस पावर मिनिस्टर वॉज नर हर विष्णु गडगिल तो ये आपने याद रखना है तो देखिए फ्रेंड्स हमने पढ़ा था एन वी गडगिल तो इनका पूरा नाम है नरहर विष्णु गडगिल नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वर्स के सी नियोगी तो ये आपने याद रखना है देन इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्टर वर्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसको मैंने आपको बताया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो अदर नेम था इट वॉज़ श्यामा प्रकाश मुखर्जी इट इज़ रिटर्न इन सम बुक्स सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस दैट श्यामा प्रकाश श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्यामा प्रकाश मुखर्जी दैन मिनिस्ट्री विदाउट पोर्टफोलियो वॉज एन गोपाला स्वामी अयगर

तो देखिए फ्रेंड्स अब जो हमारे करंट में कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं देखिए मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स तो ये आता है अनुराग सिंह ठाकुर के अंडर एंड इसके अलावा Railways, मिनिस्टर ऑफ़ रेलवेज यानी कि रेलवे मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ये मिनिस्ट्री आती है अश्विनी वैष्णव के अंडर तो ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर सो हीज मिस्टर अमित शाह एंड मिनिस्टर ऑफ एथनिक अफेयर्स ये हैं अर्जुन मुंडा देन एजुकेशन मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशिप मिनिस्टर ही इज धर्मेंद्र प्रधान देन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तो ये मिनिस्ट्रीज आती हैं भूपेंद्र से यादव के अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज तो ये है गिरिराज सिंह देन मिनिस्टर ऑफ कल्चर मिनिस्टर ऑफ़ टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ़ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो ये आता है जी कृष्ण रेड्डी के अंडर तो ये भी आपने याद रखना है देन मिनिस्टर ऑफ़ लॉ एंड जस्टिस इज मिस्टर किरण रिजिजू

दैन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजिस ये है नारायण तातू रानी नेक्स्ट क्वेश्चन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर ही इज मिसटर नितिन जयराम गडकरी दैन दैन फाइनेंस मिनिस्टर एंड कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ही इज मिससेज निर्मला सीतारमन दैन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर देन न्यू मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरी ऑफ इंडिया तो ये है पुरुषोत्तम रूपाला नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स देखिए फ्रेंड्स इतनी सारी जो ये पोर्टफोलियोज हैं ये पीयूष गोयल के अंडर आते हैं ये फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऑलमोस्ट बहुत बार पूछे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है देन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ कोल मिनिस्टर ऑफ माइंस ही इज मिस्टर प्रहलाद जोशी देन फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर इट इज़ पशुपति कुमार पारस देन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मिस्टर राजनाथ सिंह देन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड मिनिस्टर ऑफ एनर्जी ही इज राजकुमार सिंह दैन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमियम जयशंकर दैन वमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर शी इज स्मृति जुबिन इरानी दैन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष ये आता है सर्बानंद सोनोवाल के अंडर देखिए नेक्स्ट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये हैं वीरेंद्र कुमार दैन स्टील मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री इज रामचंद्र प्रसाद सिंह तो देखिए फ्रेंड्स इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई हमने देखिए फ्रेंड्स सारे फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस सम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सम इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट एट द फर्स्ट वो भी डिस्कस की उसके अलावा हमने करंट में जो हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो भी डिस्कस की तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ये आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगी सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स